हेलो स्टूडेंट, वेलकम्स अगेन। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 12 ए का जो सेकंड क्वेश्चन है इसे सॉल्व करना सीखेंगे। और हमेशा की तरह प्रीवियस और नेक्स्ट वीडियोस का जो लिंक रहेगा ना, वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमसे बोला जा रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ ए कॉर्ड विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। देखो, सेम सिमिलर क्वेश्चन है, बस पिछले बार अपने को डिस्टेंस नहीं दिया हुआ था, डिस्टेंस पता करना था। और अपने को इस बार क्या बोल रहा है कि कॉर्ड की जो लेंथ है वो बताइए, और पिछले बार अपने को लेंथ दे दिया गया था। तो इन दोनों क्वेश्चन को आपको एकदम सिमिलर तरीके से सॉल्व करना है। वहाँ पर भी आपका पाइथागोरस थ्योरम लगा था, और यहाँ भी आप लोग क्या कीजिएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा करके इन या जो हमको डिस्टेंस दिया हुआ है ना, तो आपको आधा जो होगा कॉर्ड का लेंथ वो पता चल जाएगा। और हम लोग जानते हैं फिर वहाँ पर आपको क्या करना है, क्योंकि हम हमारा जो रूल है कि हमारा जो सेंटर से 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई एक सीधी लाइन जो आती है कॉर्ड के ऊपर, वो क्या करती है, कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देती है। तो बस वही रूल आपको लगा करके इसको सॉल्व करना है। ये मैं आपको कॉपी में समझा देता हूँ। तो देखो, यहाँ पर हमारा जो डायग्राम बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा, लेकिन इसको पहले आप लोग समझो कि ऐसा डायग्राम कैसे बना। हमने एक सर्कल बना लिया, क्योंकि सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन था। हमसे बोला गया था कि ये कॉर्ड है, उसकी अपने को लेंथ पता नहीं है। हमने एक कॉर्ड बना लिया। कॉर्ड जानते ही आप लोग, सर्कल के किसी भी पॉइंट से लेकर के दूसरे पॉइंट तक जो लाइन जाती है उसे कॉर्ड कहते हैं, ठीक है। अब हमसे बोला जा रहा था कि जो हमारा सेंटर है उससे कॉर्ड की जो दूरी है वो 3 सेंटीमीटर है। तो सेंटर से मैंने हम सीधी लाइन बनाई है, क्योंकि जो जो हमारा सीधा लाइन होता है ना, परपेंडिकुलर लाइन, वही क्या रहता है, हमारा डिस्टेंस को दर्शाता है, ठीक है। तो ये हमारा 3 सेंटीमीटर का लाइन हो गया। साथ ही हमसे कहा गया था कि जो हमारा रेडियस है इस वाले सर्कल का वो 5 सेंटीमीटर है। तो हमने इस वाले पॉइंट से यहाँ तक इसको मिला दिया, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक भी तो हमारा रेडियस ही है। जैसे नॉर्मली बच्चे यहाँ से यहाँ तक को जानते हैं रेडियस, लेकिन ऐसा थोड़ी है। हमारा सेंटर से लेकर के हमारे सर्कल के किसी भी पॉइंट तक हमारा जो लाइन जाता है ना सीधा, यानी कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस होती है सर्कल से सेंटर के बीच की, उसको ही अपन रेडियस बोलते हैं। तो मैंने ऐसे मिला दिया ताकि हमारे यहाँ पर क्या हो, एक ट्रायंगल बन जाए। और ये ट्रायंगल कैसा बना, हमारा एक राइट एंगल का ट्रायंगल बना है, क्योंकि जो मेरा ये लाइन आया है ना, एकदम सीधा लाइन आया है, 90 डिग्री का परपेंडिकुलर लाइन है। अब यहाँ पर हमारा कुछ भी मिला नहीं अपने को पॉइंट, तो हम लोग इसको पॉइंट को क्या नाम दे देते हैं, सी दे देते हैं। अब आप लोग क्या देखोगे कि हमारे पास एक राइट एंगल का ट्रायंगल बन गया है, जिसमें हमारे पास दो साइड हैं और तीसरा वाला साइड अपने को पता नहीं है। अगर मान लो अपने को यहाँ से यहाँ तक पता चल जाए, तो हम लोग कंप्लीट फिर वहाँ से पता लगा सकते हैं, आसान है पता करना। तो अपन ए से लेकर के सी तक की दूरी निकाल लेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस का थ्योरम लगा देंगे। तो यहाँ पर आप लोग लिखोगे इन ट्रायंगल AOC, हमारा जो ट्रायंगल AOC बना हुआ है यहाँ पर, इसके अंदर अगर अपन देखें तो हम लोग अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, जो हमारा AO है उसका अगर स्क्वायर किया जाए तो वो मेरा AC का स्क्वायर और प्लस में मेरा OC का स्क्वायर इसके बराबर में होगा। हम लोग क्या जानते हैं कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर लाइन यानी हाइट का स्क्वायर के बराबर होता है, दोनों के सम के बराबर। तो मेरा AO तो पहले से दिया हुआ है, अपने को तो OC से मतलब है। तो पहले अपन वैल्यूज पुट कर लेते हैं। AO का वैल्यू 5 है, तो ये हो जाएगा मेरा 5 का स्क्वायर। इधर मेरा AC जो है वो पता नहीं अपने को, तो इसके जगह पर AC रख लेते हैं। और OC जो है ये भी अपने को दिया हुआ है, तो ये मेरा 3 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि OC हमारा 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अब देखो अपने को क्या चाहिए, AC चाहिए यहाँ से। तो ये मेरा हमारा, इसको इधर ट्रांसफर कर लो वैल्यू निकाल करके। जैसे 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और 9 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा, सॉरी 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। और ये मेरा चूंकि इधर प्लस में था, तो इधर आकर के माइनस का 9 हो जाएगा, इक्वल की साइड में मेरा AC का स्क्वायर बच गया। इन दोनों का आपस में आप सबट्रैक्ट कर दो, 25 में से 9 माइनस हो तो कितना बचेगा, 16। तो 16 इक्वल टू AC का स्क्वायर है, अपने को स्क्वायर से मतलब नहीं, AC से मतलब है केवल। तो हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर को इधर ट्रांसफर में करेंगे, तो ये रूट में आ जाएगा 16 इक्वल टू हो जाएगा मेरा AC। अब आपको जानते हो कि रूट से निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका पेयर बनाना पड़ेगा। तो 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर होता है, 4 × 4 हमारा 16 होता है। यानी कि जब हम लोग इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो ये 4 बन करके बाहर निकलेगा, 4 इक्वल टू हो जाएगा मेरा AC। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, AC इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, क्योंकि हमारा ये सब क्या में था, ये सब हमारा सेंटीमीटर में था वैल्यू, तो ये भी हमारा सेंटीमीटर में ही रहेगा। तो AC हमारा 4 सेंटीमीटर निकला है ना, ध्यान देना कि यहाँ से यहाँ तक हमारा 4 सेंटीमीटर है। अपने को इसका वैल्यू नहीं पूछा था, अपने से पूरे कॉर्ड की लंबाई पूछी थी। तो देखो यहाँ पर आप लोग लिखोगे, या फिर इस तरीके से आप लोग पहले समझ लो कि मेरा जो लाइन आता है ना सेंटर से एकदम सीधा लाइन किसी भी कॉर्ड के ऊपर, तो वो क्या करता है, कॉर्ड को एकदम बाइसेक्ट कर देता है, बीचों बीच से कट कर देता है। यानी ये जो मेरा लाइन आया ना यहाँ पर, तो अगर यहाँ से यहाँ तक मेरा 4 सेंटीमीटर है तो टोटल मेरा 8 सेंटीमीटर होगा, तभी मेरा यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर लोग चाहो तो लिख भी सकते हो कि हमारा जो लाइन आता है परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, इस तरीके से आप लोग यहाँ पर चाहो तो कि स्टेटमेंट बना करके लिख दे सकते हो। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कैसे स्टेटमेंट बनाओगे। ये आप स्टेटमेंट लिखना है यहाँ पर कि द परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड है ना इन अ सर्कल बाइसेक्ट द कॉर्ड,
इस तरीके से हम छोटा सा स्टेटमेंट बनाओगे अपने मन से, ज़्यादा लंबा चौड़ा स्टेटमेंट नहीं बनाना, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर अपने को ए बी की वैल्यू चाहिए, अगर अपने को ए बी निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर जो वैल्यू आया है मेरा ए सी का जो वैल्यू है उसको डबल कर देंगे, क्योंकि ये बाइसेक्ट किया है यानी कि पूरे को आधा कर दिया है, तो अपने को पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको डबल करना पड़ेगा। तो हम लोग 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो हमारा जो ए बी होगा वो निकल जाएगा यहाँ पर 4 × 2 = 8 सेंटीमीटर, यानी कि जो कॉर्ड की टोटल जो लेंथ है ना वो हमारी 8 सेंटीमीटर है। तो आप लास्ट में ये भी लिख देना कि हैंस द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 8 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आपको सेकेंड वाला क्वेश्चन सॉल्व होता है। यहाँ पर आपको बस दो ही चीज़ों को ध्यान रखना है, एक तो आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाने में फोकस करना है, और दूसरा ये ध्यान रखना है यूलर रूल कि हमारा ये जो लाइन आता है ये पूरे लाइन को हमारा जो कॉर्ड रहता है उसको बाइसेक्ट कर देता है यानी आधा कर देता है। तो अगर यहाँ हमारा 4 है तो ये भी मेरा 4 होगा और 4 मिला करके 8 हो जाएगा, तो उसको आप लोग को 8 सेंटीमीटर ऐसे निकालना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर जो आगे क्वेश्चंस हैं उनको भी मैं आपको इसी तरीके से सिंपल मेथड में समझा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।